द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। सागर जिले के राहतगढ़ से पैदल यात्रियों का जत्था मैहर के लिए रवाना हुआ है, जिसमें करीब 50 पैदल यात्री शामिल हैं, जो 25 सितंबर अमावस्या को मैहर पहुंचकर माता रानी को झंडा चढ़ाएंगे। गौरतलब है कि इस पैदल यात्रा की शुरुआत 2010 में की गई थी। उस समय 2-4 लोग ही यात्रा पर गए थे, लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और इस बार लगभग 50 यात्री यात्रा पर रवाना हुए हैं। जाने से पहले भगवान विश्वनाथ शिवालय में पूजा अर्चना की गई, उसके बाद सभी रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह पर इनका स्वागत किया गया। बस स्टैंड पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गोलू राय और उनके साथियों ने तो भोपाल चौराहे पर ग्राम पंचायत चौकी सरपंच राजेश तिवारी ने सभी देवी भक्तों का स्वागत किया। बताया गया कि ये सभी 320 किलोमीटर का सफर 9 दिनों में पूरा करेंगे, जो अमावस्या को मैहर पहुंचकर माता रानी को झंडा चढ़ाएंगे। इसको लेकर राहतगढ़ संवाददाता धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने देवी भक्तों से बात की। सर, ये 2010 से सतत रूप से पंडित श्री भागेश तिवारी की सानिध्य में चल रही है और इनका पूरा सहयोग रहता है और इनके ही विशेष तत्वाधान में यात्रा सफल होती है। राहतगढ़ शिवालय से मैहर पैदल यात्रा है ये और सब इनके से इनके साथ में है और जो भी है। कौन सा वर्ष है ये? हमारा 5वां वर्ष है। कैसा महसूस करते हैं आप? बढ़िया यात्रा, जगदम्बा की यात्रा है, माँ भगवती मैहर वाली शारदा मैया की। अच्छा, खुशी ग्रुप। रास्ते में पहले चलते में कैसा रहता है? मतलब बढ़िया रहता है, धूप भी निकलती है, पानी भी रहता है, मौसम के हिसाब से यात्रा बढ़िया रहती है। एक दिन में कितनी किलोमीटर चलती है? पहले दिन 20 किलोमीटर की यात्रा है, दूसरे दिन 40 किलोमीटर की है। फिर अपने अपने जो स्थान हम लोगों का रुकने का, मंदिरों पर रुका जाता है, रात्रि विश्राम होती है, उस हिसाब से टारगेट रहता है। बारिश का मौसम है, कहीं पानी आ रहा है? हाँ, तो देखते हैं, अगर कहीं रुकने की व्यवस्था है तो रुक भी जाते हैं, अपने पैदल धीरे धीरे निकल जाते हैं। जयकारा शेरों वाली का बोल। 2010 से प्रारंभ है और हर साल मतलब इसी टाइम पे जाते हैं हम लोग और करीबन 8 लोगों से स्टार्ट हुई थी ये यात्रा और आज 50 लोगों की यात्रा हो गई है। ये सागर होते हुए, दमोह होते हुए, बांदकपुर होते हुए, कटनी मैहर होते हुए। कितने किलोमीटर की यात्रा है, कितने दिन में पूरी करते हो? 320 किलोमीटर की यात्रा है ये, 9 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो कोई टारगेट रहता है कि आज कितने किलोमीटर पता चल रहा है? नहीं, कहीं 20 भी निकलते हैं, कहीं 40 भी निकलते हैं, कहीं 35 भी निकलते हैं। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई नहीं, गाड़ी रहती है, उसमें खाना आना का सब सामान रहता है। इस साल कितने श्रद्धालु जा रहे हैं? इस बार 50 लोग हैं। मान लीजिए कोई रास्ते में श्रद्धालु की तबीयत खराब हो जाए, क्या करते हैं? उसकी है, अपने गाड़ी में व्यवस्थाएं हैं। कस्टमर एडिशन? हाँ। झंडा कब चढ़ाते हैं? झंडा अमास को चढ़ाते हैं, 25 तारीख को झंडा चढ़ेगा। दूसरा वर्ष है यात्रा, करीब आज यात्रा का इस बार 12वां वर्ष है। हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री भागेश तिवारी जी के नेतृत्व में करीब 11 वर्ष से यात्रा निरंतर चल रही है। शुरुआत इस यात्रा की 5 भक्तजनों ने की थी, उसके बाद निरंतर माँ की कृपा से कारवां बढ़ता गया और आज हम लोग इतने भव्य जोरदार तरीके से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। माँ के आशीर्वाद से यात्रा सकुशल संपन्न होगी सभी भक्तजनों का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव है, माँ की भक्ति में जितना करें उतना कम है। सभी लोग बढ़िया भाव और होके यात्रा में नाचते झूमते हुए देवी भक्तों से मिलवाने जा रहे हैं, जो निरंतर विगत 2010 से राहतगढ़ नगर से पैदल मैहर माँ शारदा देवी के दर्शन को जाते हैं, तो मिलवाते हैं हम भागेश तिवारी जी। ये बताएं, यह यात्रा कितने वर्षों से चल रही है? ये 12वां साल 2010 से प्रारंभ रही है यात्रा। पहले कितने श्रद्धालु जुड़े और अब कितने साल हैं? 2010 में 5 लोग गए थे हम लोग, उसके बाद फिर 7 हुए, 10 हुए, 20 हुए, आज 50 लोग। लगभग कितने किलोमीटर का सफ़र रहता है, कितने दिन में यात्रा पूरी करते हैं? ये 320 किलोमीटर का है और ये 9 दिन में हम लोग पहुँच जाते हैं और 10वें दिन हम लोग झंडा चढ़ाते हैं। रास्ते में कभी ऐसा मौका आता है कोई श्रद्धालु बीमार हो गया, परेशान हो गया, क्या व्यवस्था रहती है? उसमें हमारी गाड़ी में सर सारी व्यवस्था है। तो आप देख रहे सागर टीवी और यहाँ से करीब 50 श्रद्धालु देवी भक्त मैहर जाएंगे, वहाँ पर माँ देवी को ध्वजा उड़ाकर माँ से स्वयं परिवार की और नगर क्षेत्र की लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत,
सागर टीवी के लिए। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।